दिखे आ गए हैं फिर से आपके साथ कुछ नया लेके तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से हमारे पास स्टोन थे जो कि हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे थे काफ़ी चीज़ें इसको बनाई हैं और इस्टोन आर्ट वग़ैरह किया है और लेकिन ये पानी वगैरह में ख़राब हो जाते हैं तो इसको फिर से हम इनका रीयूज़ कर लेते हैं तो देखिए इधर पर आज कुछ अपने गार्डन के लिए नया बनाने जा रहे हैं और आपको यदि गार्डनिंग का शौक़ है और उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो प्लांट तो ठीक है उसके साथ में कुछ आप रंग बिरंगी चीज़ें कुछ नई चीज़ें कुछ नया डेकोरेशन अपने गार्डन में करेंगे तो ये आपका गार्डन जो है तो काफ़ी प्यारा हो जाएगा काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा तो इसीलिए आज आपके साथ कुछ ऐसे डी लेके आए हैं जो आपके गार्डन को आपके बालकनी गार्डन को बिल्कुल चार चांद लगा देंगे और काफ़ी खूबसूरत लगेगा कलरफुल हो जाएगा तो देखिए इधर पर जो स्टोन थे तो इधर पर हमने इनका कैक्टस बनाया हुआ है बनाने में सारे ही डी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाले हैं तो इधर पर देखिए कुछ इस तरह से हमने एक्रेलिक कलर कर दिया था और आपको बता दें कि इसमें येलो है ग्रीन है और ब्लैक वगैरह करके कुछ नेचुरल शेड इसमें दिए हुए हैं सारे स्टोन में कुछ गोल थे कुछ लंबे थे उस हिसाब से हमने इनमें डिज़ाइन बना दिया है और काफ़ी आसान है बनाने में लेकिन देखने में ये काफ़ी प्यारे बन के तैयार हुए हैं तो इस तरह से ये यदा ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला के येलो और ग्रीन करके कुछ इस तरह से हमने अलग अलग शेप के जो कैक्टस हैं तो वो बना के तैयार किए हैं तो इनको आप जब अपने गार्डन में रखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा इधर पर देखिए हर जो स्टोन था अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग शेप और साइज के थे तो इधर पर हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दी है और साथ में इसमें जो फ्लावर वगैरह बनाने थे तो इधर पर हमने पोमपम लगा दिया है आप चाहें तो क्ले वग़ैरह से भी इसमें फ्लावर बना के लगा सकते हैं तो देखिए इधर पर रेड कलर का पोमपम लगाया था और भी कलर के थे तो इन पर हमने लगा दिया था तो काफ़ी खूबसूरत सा ये बन के जो कैक्टस तैयार हुए थे अब इनको एक जगह पर सेट करना था तो क्या करना है ना कि एक कोई भी कंटेनर या कहना चाहिए प्लांटर वगैरह ले लीजिए पर ये फूड कंटेनर से हमने एक प्लांटर बनाया हुआ था और इसको क्या किया है कि इसमें रेत डाल दी है और साथ में कुछ इस तरह से से जितने भी कैक्टस हमने बनाए थे तो तो उनको कुछ इस तरह सेट से से कर दिया है तो देखिए यदि आप अपने घर में नेचुरल कैक्टस नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने घर में बना के अपने गार्डन में रखेंगे ना तो काफी अच्छे लगेंगे तो देखिए किस तरह से खूबसूरत से आपके जो ये कैक्टस के प्लांट है तो वो बन के तैयार हो गए हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ की दूसरा हमको क्या बनाना है तो इधर पर कुछ दिए थे जिनके के ऊपर हमने वॉल पुट्टी की थी कुछ पे किया है कुछ पे वॉल पुट्टी नहीं किया है और इस पर पे सेंट पेपर से इस तरह से हमने घिस दिया था जिसमें कि ये एक साल हो जाए और बस इसके ऊपर बहुत सारे कलर किए तो इधर पर हमने मशरूम बनाए थे लेडीबर्ग बनाई थी तो इस तरह के जो दीपावली पे दिए वग़ैरह बेकार हो जाते हैं तो इनका कोई यूज़ नहीं रह जाता है तो आप बस थोड़ा सा एक कलर लगाइए थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए और देखिए फटाफट से जो आप अपने गार्डन के लिए बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं तो देखिए इधर पर बहुत सारे कलर करके हमने अलग अलग रख दिए थे और इसको कम से कम डेढ़ दो घंटे के लिए छोड़ दिया था कि अच्छे से ड्राई हो जाए अच्छे से ड्राई नहीं होता तो जब हम वाइट कलर ऊपर से करते हैं ना तो रेड कलर या ब्लू कलर जो कुछ भी होता है तो वाइट कलर के ऊपर आ जाता है और सही तरीके से वो कलर दिखाई नहीं देता है तो देखिए इधर पर सबसे पहले लेडी बग बनाइए कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है बिल्कुल थोड़ा सा काम रहता है इसमें और इस तरह से इसको बना के तैयार किया है और काफ़ी अच्छे ये लग रहे थे इस तरह से देखिए ये कुछ आँखें जो हैं आपको स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगी और इस तरह से इस पर आप इनको फिक्स कर दीजिए देखिए फटाफट से कितना पाँच मिनट भी नहीं लगा और आपका ये जो है तो बन के तैयार हो गए हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनको अपने गार्डन में आप इस तरह से रखिए तो काफ़ी खूबसूरत ये लगेंगे चलिए अब देखते हैं कि आगे जो है तो तीसरा डी हमको क्या करना है तो हमने कुछ बनाए थे मशरूम तो दिए से ही बनाए थे क्योंकि काफ़ी कुछ दिए जो हैं तो दीपावली के इकट्ठे हो जाते हैं और उनका कोई काम नहीं रहता है तो देखिए इधर पर हमने कई कलर में किया था और इस तरह से ऊपर से कुछ ज़्यादा नहीं किया है इधर पर कुछ इस तरह से हमने ऊपर से बना दिया था और बस इनको भी ड्राई होने के लिए रख दिया था इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना इधर पर एक रोल था इससे कोई चीज़ आई हुई थी तो ये रोल काफ़ी समय से रखा था तो इसको कुछ छोटे बड़े करके इस तरह से हमने कट कर लिए हैं और साथ में इसमें कर देंगे एक्रेलिक कलर तो देखिए कई शेप में काट दिए थे कुछ छोटे कुछ बड़े फिर आप अपने अकॉर्डिंग से छोटा बड़ा कट कर सकते हैं कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं तो देखिए इधर पर हमने कलर कर दिए हैं और साथ में अब करना क्या है कि इसमें लगा के फेविकोल जो दिए थे ना तो देखिए किसी में हमने वॉल पुट्टी की थी किसी में नहीं की थी तो इनमें सब ढेर सारा फेविकोल लगा के और उसको इस्टिक कर देंगे और आप कम से कम नहीं तो इसको चार छः घंटे के लिए छोड़ दिए तो ये बहुत अच्छे से इस्टिक हो जाते हैं अब इसको चाहे तो आप कुछ रेत में इस तरह से इकट्ठा करके लगा सकते हैं और यदि ऐसा आपको नहीं करना है तो आप अपने गार्डन में देखिए हर प्लांटर में इस तरह से लगा देंगे तो हो गया ना आपका जो गार्डन है वो बिल्कुल रंग बिरंगा अब देखिए इधर पर आप जो मशरूम है तो वो जो डिस्पोजल चाय कॉफ़ी के ग्लास आते हैं या फिर चाहिए कलर की बोटल्स वगैरह होती हैं तो उन पे भी आप बना सकते हैं स्किन कलर कर दिया था इसमें सफेद और साथ में पीला और लाल रंग मिला के और बस इस तरह से धपड़ दिया ऊपर से रख दिया था और इसको भी सूखने के लिए रख दिया था इसके बाद देखिए इधर पर आप कुछ अपने ड्राइंग कर सकते हैं जैसे कि और ज़्यादा ये खूबसूरत लगने लगे तो इधर पर हमने इस तरह से खिड़की दरवाजे वगैरह बना दिए थे तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये बन तैयार हो गया है तो आपके गार्डन की जो रौनक है तो बिल्कुल बढ़ जाएगी यदि इस तरह की डी आप जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं इधर पर देखिए ये एक टें का डिब्बा था जो कि काफ़ी समय से रखा था इस पर हमने बॉलपुट टी भी कर दी थी और बस इसको सैंडपेपर पेपर से इस तरह से हमने घिस दिया था इसके बाद इस पर एक्रेलिक कलर किया है और थोड़ी सी डिजाइन बनाई है तो देखिए इस तरह से पहले से हमने ड्रॉ कर दिया था उसके बाद हमने कलर किए हैं तो इधर पर एक प्लांटर भी बन के तैयार हो गया है और इसमें आप कोई भी प्लांट जो है तो लगा सकते हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नीचे जो है तो ड्रेनेज होल ज़रूर बना दीजिए नहीं तो प्लांट जो है तो वो ख़राब हो जाता है या फिर आप किसी दूसरे छोटे प्लांटर में इसमें डाल के रख सकते हैं तो चलिए अब बताना आपको है बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा जैसे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो आपके पास पहुंच जाएगी यदि आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको ढेर सारे इस तरह के जो वीडियो हैं तो आपको देखने को मिलेंगे डी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तो जो कि हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा दूसरों को खुश रखिएगा फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में थैंक यू